नमस्कार दोस्तों, वेटराज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, आज अपन बैलेंस राशन के बारे में जानने वाले हैं कि बैलेंस राशन क्या होता है, बैलेंस राशन के क्या क्या लाभ, क्या क्या फायदे हैं बैलेंस राशन बनाने के, और अपन पशु को नहीं खिलाते हैं बैलेंस राशन तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, अपन ये भी जानेंगे। इसके बाद में अपन जानेंगे कि बैलेंस राशन बनाने के लिए अपने को किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है पशु के राशन के लिए, यानी कि बैलेंस राशन बनाने में जो घटक काम में आते हैं, जो सामग्री काम में आती है या जो भोज्य सामग्री काम में आती है वो कौन कौन सी है, और उस पांचवा है उसका स्रोत क्या है, वो अपने से जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो इसका स्रोत क्या है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि बैलेंस राशन, जानेंगे कि बैलेंस राशन किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बना सकते हैं। फिर बैलेंस राशन बनाने समय अपने को किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आठवा अपन बात कर रहे हैं कि संतुलित राशन का प्रबंधन। आप बैलेंस राशन बना तो लिया, पर उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, भंडारण कैसे करना है, स्टोरेज, और संतुलित राशन बनाया यानी बैलेंस राशन बनाया है उस पर एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी पशु को कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो भी अपन इसके अंदर देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि बैलेंस राशन क्या है। तो बैलेंस राशन क्या है, तो इसमें अपन ये बात करते हैं सबसे पहले कि अपन एक ऐसा राशनों का समूह बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स समूह है राशन, जिसमें पशु, जैसे पशु को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सभी उपलब्ध हो, और वो भी जितना पशु को रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार, उसके अनुरूप और उसी रेशियो में वो उस राशन के अंदर उपस्थित हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो बैलेंस राशन है उसका है कि बैलेंस राशन का लाभ, बैलेंस राशन के क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें बात करते हैं कि बैलेंस राशन दूध बढ़ाने में काम आता है। पशु का क्या क्या लाभ होते हैं, तो पशु का दूध बढ़ाता है बैलेंस राशन से, स्वास्थ्य अच्छा रहता है पशु का, और उसकी जो उपापचयी क्रियाएं भी होती है वो सही रूप से चलती है, और उसकी वजह से जो उपापचयी बीमारियां होती हैं उनके होने की संभावना कम होती है, और जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उनके होने की संभावना कम होती है। दूध की गुणवत्ता में, उत्पादकता में और फेट में, SNF में, इन सभी में वृद्धि होती है, प्रजनन क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा जो लैक्टेशन पीरियड है उसकी लंबाई बढ़ती है, यानी दूध लंबे टाइम तक देती है, शरीर का वजन भी बढ़ता है, हष्ट पुष्ट रहता है, और इसके अलावा ये फीड उत्पादन करने का यानी कि भोजन बनाने का या बैलेंस राशन बनाने का सबसे सस्ता उपाय है, यानी कि अपन सस्ते रूप से बैलेंस राशन बना सकते हैं, पशुओं को सस्ते तरीके से खिला सकते हैं, अपने को सस्ता पड़ेगा, इसमें पैसा कम लगेगा, और अपनी जो फूड की कॉस्ट होती है, जितना खर्चा आता है फूड का वो थोड़ा कम होगा और फूड की क्वालिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि अपने की रोजाना की जो आय होती है वो उसमें वृद्धि होगी, और दूध का उत्पादन तो बढ़ता ही है। इंटरकाविंग पीरियड यानी कि एक बार बयान के पश्चात दोबारा बयान आता है, तो उसके बीच का पीरियड होगा वो कम होगा, समय सही समय पर पशु पार्चुरेट होगा। फिर आता है डिसएडवांटेज, यानी कि अपन बैलेंस राशन नहीं खिलाते हैं पशु को तो अपने को क्या क्या नुकसान होता है, पशु को क्या क्या नुकसान होता है। तो फीड असंतुलन की वजह से तो जो पशु होता है उसकी जो विकास दर होती है, वृद्धि दर होती है, उसके शरीर का ग्रोथ होता है वो धीरे होता है और कम होता है। उससे जो भी अपन उत्पादन लेते हैं, चाहे वो मीट का हो, मिल्क का हो, ऊल का हो, वो सब में कमी आती है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति गड़बड़ा जाती है, रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उससे जो भी उत्पादन करते हैं वो अपने को कम मिलता है। इसके पश्चात अपन तीसरे में बात करते हैं कि जो बैलेंस राशन है उसके क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सामग्री होती है बैलेंस राशन, क्या क्या होता है होना चाहिए। तो बैलेंस राशन में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा, विटामिन, खनिज और पानी भी होना चाहिए। बैलेंस राशन में पानी अलग से मिलाया जाता है, जिससे हम बनाते हैं उसमें पानी नहीं मिलाते हैं इसमें। के बाद में फोर्थ बात करते हैं कि पशु को बैलेंस राशन कितना देना चाहिए। तो
जो पशु को मेंटेनेंस डोज यानी कि उसके शारीरिक वर्दी और इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक होता है वह है 1.5 से 2 किलो यानी 1.5 to 2 kg। इसके अलावा ये प्रतिदिन के अनुसार है। इसके अलावा अगर गाय है तो उसको 2.5 लीटर पर 1 किलोग्राम और अगर भैंस है तो उसको 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम देखो दाना या कंसंट्रेट देना चाहिए या बैलेंस राशन देना चाहिए। फिर सोर्स ऑफ फूड यानी कि जो अपन बैलेंस राशन में जो कंटेंट देख रहे हैं तो उनका सोर्स क्या होगा, वो अपने को कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, इसके सोर्स देख रहे हैं। तो प्रोटीन अपने को कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो यूरिया से मिल सकता है, मछली का मील होता है उसे जिसे फिश मील बोलते हैं, फैट के मील से मिल सकता है उसे ब्लड मील बोलते हैं, नारियल के मील से मिल सकता है, सोयाबीन से मिल सकता है। इसके अलावा अदर्स जो लेग्यूमिनेसी प्लांट है इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा एजोला होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर बात करते हैं अपन फेट की, फेट फेट वसा, तो वसा अपने को कॉटन सीड केक से मतलब काकड़ी की खल, सरसों की केक होती है यानी सरसों की खल, मूंगफली की खल। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपने को गुड़ से मिल सकता है, गेहूँ से मिल सकता है, मक्का से मिल सकता है, चावल से मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे अपन विटामिन्स। विटामिन यानी कि विटामिन दो प्रकार की होती है, जो पानी में घुलनशील होती है वो विटामिन और जो वसा में घुलनशील होती है वो विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन डी ई और के है, इसके अलावा ई भी है। इसके बाद में अपन बात करें खनिज तत्व। खनिज तत्व में जिनकी मात्रा अपने को शरीर में अधिक होती है वो वर्धित खनिज तत्व, और जिनकी शरीर में मात्रा की आवश्यकता कम होती है, कम मात्रा की आवश्यकता होती है वो लघु या सूक्ष्म खनिज तत्व। तो अपन वर्धित खनिज तत्व के बारे में बात करने वाले हैं। तो वर्धित खनिज तत्व के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कैल्शियम। इसके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, फॉस्फोरस होता है, क्लोराइड, पोटेशियम, ये वर्धित खनिज तत्व है जिनकी आवश्यकता शरीर को ज़्यादा होती है, उनकी मात्रा में ज़्यादा होती है। फिर सूक्ष्म खनिज तत्व यानी कि जिनकी अपने को शरीर में आवश्यकता है पर लेकिन कम मात्रा में, तो उसमें है लोहा, तांबा, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम और क्रोमियम। फिर सिक्स अपन बात करते हैं कि अपन बैलेंस राशन किस प्रकार से बनाएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बैलेंस राशन बनाने में अपने को अपने आसपास में ऐसे फूड सोर्स देखने हैं जो आराम से उपलब्ध हो, तो उन घटकों को देखो। उसके बाद में उनका चयन करो कि अपने को कौन सा फूड काम में लेना है, कौन सा किस काम में, कार्बोहाइड्रेट किसे मिलेगी, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसे मिलेगी, उसके अनुसार उनका चयन करना है। उसके बाद में उनका एक रेशियो बनाना है कि अपने को किस किस अनुपात में लेना है कौन सा फीड या घटक, तो उसका रेशियो करना है ताकि वो अपनी आवश्यकता जो होती है जाना कि उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। फिर उसके बाद में उन सभी के आपको मिश्रित करना है और इस प्रकार से अपना बैलेंस राशन तैयार हो जाएगा। तो अपन बैलेंस राशन बनाते समय क्या क्या एहतियात बरते, किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, तो सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो। बैलेंस राशन बनाते हैं तो उसमें जब फीड को मिलाते हैं तो उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्रूड फाइबर 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए और नमी 11% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उसमें सभी घटक होते हैं वो कवक फंजाई से मुक्त होनी चाहिए, उसका कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए कोई। अपन बात करते हैं कि जो बैलेंस राशन बनाते हैं उसका मैनेजमेंट प्रबंधन किस प्रकार से करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो बैलेंस राशन बनाते हैं उसमें मिक्सअप करते हैं तो एक दूसरे में मिलाते हैं तो उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से मिलाएं। चयनित घटक जो अपन घटकों का चयन करें वो अपने को आसानी से उपलब्ध हो, सस्ते में उपलब्ध हो, कम लागत में उपलब्ध हो, और उनकी खराब गुणवत्ता वाली प्रोटीन बेहतर होती है, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं जिनमें 4 पौष्टिक ये स्टोमक होता है उनको अपन खराब प्रोटीन में देंगे तो वो उनको बेटर प्रोटीन और अधिक अच्छी प्रोटीन में बदल सकते हैं, इसलिए अपन उनको खराब प्रोटीन में भी चेंज कर सकते हैं, खराब प्रोटीन में भी चेंज कर सकते हैं। और यूरिया 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टोरेज ऑफ राशन।
अपन राशन का स्टोरेज किस प्रकार से करें। तो राशन के भंडारण की बात करते हैं, तो सूखी जगह रखिए, राशन को जब रखते हैं जहाँ पर भी रखेंगे तो वह जगह सूखी होनी चाहिए, धूल मिट्टी के कण उसमें नहीं मिलने चाहिए और राशन अपना ढका होना चाहिए और स्थान ठंडा होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बैलेंस राशन पे। तो गर्मी में ऊर्जा या बैलेंस राशन की डिमांड कम होती है, ऊर्जा का लॉस कम होता है, जबकि सर्दी में ऊर्जा का लॉस अपनी बॉडी से ज़्यादा होता है। इस प्रकार से दोस्तों अपना बैलेंस राशन कम्प्लीट होता है। नमस्कार दोस्तों, हर अपन इसी प्रकार से हर सप्ताह आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।